देखो 3 मीटर कपड़ा है ना, तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य, 3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना भैया? 24 रुपए 90 पैसे, इतने रुपए है ना। अब हमें 1 मीटर कपड़ा खरीदना है ना, चूंकि, और ये इसलिए एक एक नियम से कर, इसलिए अब 1 मीटर कपड़ा हम खरीदेंगे तो कम रुपए देंगे कि ज्यादा रुपए देंगे? 3 मीटर कपड़ा खरीदा तो 24 रुपए 90 पैसे दिए, 1 मीटर खरीदेंगे तो कम देंगे कि ज्यादा देंगे? तो 1 मीटर के तो कम लगेंगे, तो कम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। कम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है, इतने रुपए है ना, फिर है ना, ठीक। इसलिए अब एक एक मीटर कपड़ा कितने का? इतने का है ना, 1 मीटर कपड़ा कितने का? इतने रुपए का। अब हमें कहता है कि 7 मीटर कपड़ा कितने का आएगा? तो ज्यादा का आएगा 7 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर कपड़ा इतने का, तो 7 मीटर कपड़ा तो ज्यादा का होगा। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा। 1 मीटर कपड़ा कितने का? 1 मीटर कपड़ा आ रहा 24.90, 24.90 बटे 3, 1 मीटर कपड़ा इतने का। अब हमको चाहिए 7 मीटर, तो इसमें 7 का गुणा कर लेंगे है ना, इसमें 7 का गुणा हो जाएगा। चलो अब 24.90 में आप 3 का भाग लगा के देख लो, तो देखें तो 24 इधर दे लो, 24.90 और ये दशमलव है ना। अब इसमें अगर आप मान लो 3 का भाग लगाते हैं तो 3 8 24 00 है ना, दशमलव उठ के यहाँ आ गई, फिर ऊपर से उतारा 9 3 3 9 है ना, फिर ऊपर ये 0 उठ के यहाँ आ गई। तो भैया 7 मीटर कपड़ा कितने का? तो 7 मीटर कपड़ा कितने का आया? इसका काटापन है ना, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना भैया? तो देखो इसमें इसका भाग दिया तो कितना आया? 8.3 आया है ना, 8.3 × 7, तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 21 है ना, 7 × 21 और 7 × 8, 7 × 21 का 1, 7 × 21 21 का 1 है ना, फिर ऐसे लगा 2 7 × 8 56, 56 57 58 और यहाँ दशमलव और यहाँ लगा दो 0, तो 58 रुपए 10 पैसे। कितना हो गया आपका उत्तर? आपका उत्तर हो गया 58 रुपए 10 पैसे, ठीक है ना। तो ये भी सवाल अच्छा था।